नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनिमल शेल्टर की दिनचर्या कैसी होती है? आइए बताते हैं। सुबह हमारी शुरुआत होती है 7 बजे बच्चों को मिलने से और इसी के साथ काम होता है स्टार्ट। सबसे पहली चीज होती है अंदर के बच्चों को बाहर निकालने से, साथ ही साथ एक साइड हम 100 बच्चों के लिए चढ़ाते हैं खाना। उसके बाद बीमार बच्चों को हम लीश की सहायता से बाहर पॉटी कराने निकालते हैं और आधे घंटे के लिए हम उन्हें बाहर घुमाते हैं। पैरालाइज बच्चों को सुसु कराना पड़ता है, उसके साथ ही पॉटी क्लीनिंग, कपड़े धुलना बहुत जरूरी होता है एक शेल्टर में। सफाई चालू होती है, ट्रेस केज हम बहुत अच्छे से साफ करते हैं, इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो फ्लोर वगैरह साफ करने के बाद कुछ बच्चों को हम बाहर घुमाने लेके जाते हैं शेल्टर के। ये हमारे परमानेंट बच्चे होते हैं। मेडिसिन ट्रे जमाई जाती है, खाना बन चुका है, अब उसे ठंडा किया जाता है। दोस्तों हम 2 प्रकार के खाना बनाते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड। जिन बच्चों को मेडिकेटेड बाथ देना होता है वो दिया जाता है। क्लीनिंग साथ ही साथ चली रही होती है, हम क्लीनिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो फाइनली क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद बच्चों को आप देख सकते हो, खाना होता है ठंडा, उसके बाद हम करते हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट। ये अराउंड 9 बजे सुबह की बात होती है। उसके बाद जिन बच्चों को मेडिसिन देनी होती है उनको मेडिसिन दी जाती है, जिनकी ड्रेसिंग होती है उनको ड्रेसिंग दी जाती है, और ये सब करने के बाद अराउंड 11 बजे सुबह हमारा एक टाइम का काम खत्म होता है।